नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश भारत न्यूज और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर बिजनौर में कांग्रेसियों ने जिलाध्यक्ष शेरवाज पठान के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। बता दें कि जिलाध्यक्ष शेरवाज पठान के नेतृत्व में दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ता कार्यालय पर इकट्ठा हुए, जहां से जुलूस की शक्ल से सड़क पर प्रदर्शन और भाजपा सरकार व पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी 5 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन जिलाधिकारी उमेश मिश्रा को सौंपा है। ज्ञापन में कहा कि पीएम मोदी और उद्योगपति गौतम अडानी के बीच क्या रिश्ता है, गौतम अडानी की व्यापार से विदेशों से आया करोड़ों रुपया किसका है, साथ ही पीएम मोदी विशेष यात्रा पर वार अडानी को अपने साथ लेकर गए और किन किन देशों में उन्हें ठेके दिलवाए, साथ ही ईपीएफओ ने अडानी कंपनी के शेयर खरीद कर कर्मचारियों के भविष्य के अंधकार को धकेलने के कारण में काम किया है। अरे विधायक जी भी आज यहाँ मौजूद हैं, फूल कुंवर जी मुरादाबाद से। दरअसल असल बुलाने की वजह यह है कि जिस तरह से देश में सरकार द्वारा तानाशाही दिखाई जा रही है, इसके खिलाफ ये पीसी है। राहुल गांधी जी ने क्या गलत पूछ लिया, देश के हित में पूछा कि 20,000 तीन सवाल पूछे उन्होंने सदन में। तीन सवालों में एक सवाल ये था कि साहब ये बताएं ये 20,000 करोड़ जो शेल कंपनियों के हैं, ये 20,000 करोड़ रुपये कहाँ से आए। भाई हक बनता है, विपक्ष की क्या भूमिका है, यही भूमिका है। दूसरा उन्होंने ये कहा, एक सदस्यता उनकी जो है समाप्त कर दी गई। उन्होंने यही तो कहा था कि भाई नीरव मोदी है, ललित मोदी है, निशांत मोदी हैं, ये सबके इनका सरनेम मोदी क्यों हैं, ये सब यहाँ से ये सब लोग जो हैं 27 लोग मिल करके देश का $10 ट्रिलियन रुपये जो है ले गए। 10 ट्रिलियन डॉलर यानी कि तकरीबन 13 या 14 जीरो, शायद 13 जीरो लगेंगे। अब इतनी बड़ी इकनॉमी, 86,000 करोड़ रुपए अडानी जी के माफ़ कर दिए गए, 86,000 करोड़ रुपए, 12-14 हज़ार करोड़ रुपए जो है वो जो है रिलायंस ग्रुप के माफ़ कर दिए गए, मुकेश अंबानी के माफ़ कर दिए गए। क्यों भाई, देश की ये देश जो है किसान प्रधान देश है। अगर माफ़ी होनी चाहिए थी, कर्जे की माफ़ी होनी चाहिए थी, किसान की होनी चाहिए थी, प्रोत्साहन मिलना चाहिए था, तो कम से कम वो मजदूरों को मिलना चाहिए था, छोटे उद्योगपतियों को मिलना चाहिए था। एक प्री प्लानिंग के तहत देश को लूटा जा रहा है। बल्कि मैं किसी हद तक इस बात से इत्तफाक कर रहा हूँ कि कल मैं एक आम आदमी पार्टी के नेता को जो है सदन में सुन रहा था, वो ये कह रहे हैं कि पहले 306 नंबर पर था अडानी, उसको दुनिया के 2nd नंबर पे लिया है। तो कहीं ना कहीं, और अगर अडानी के खिलाफ बोलते हैं तो पक्ष कहता है, सत्ताधारी पार्टी कहती है देश के खिलाफ बोल रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप, वरना किसी भी राजनेता पे कोई उंगली उठती है तो वो हटा देता है फौरन, आप उसके साथ मिले हुए हैं, इसका मतलब यह है कि आप जो हैं आपकी पार्टनरशिप है, आप खुद मालिक है, कम से कम ये स्पष्ट हो। तो इसीलिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। अब मैं चाहूँगा कि विधायक जी प्रभारी बना के भेजे गए, विधायक जी भी जो है इस मामले में कुछ अपनी रोशनी डालें। राहुल जी का दोष है, राहुल जी ने केवल इतना पूछा प्रधानमंत्री से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उद्योगपति श्री गौतम अडानी के माध्यम का रिश्ता क्या है, ये कोई पूछना कोई पाप नहीं है, तो हम केवल इतना ही तो पूछ रहे हैं राहुल जी का, आप रिश्ता बताइए। दूसरा, एक उन्होंने क्वेश्चन करा था उनसे, गौतम अडानी के व्यापार में विदेशों से आए 20,000 करोड़ रुपए किसका है, ये सब जानते हैं, जब शेयर गिर गए तो 20,000 करोड़ रुपए कहाँ से आया, किसका रुपया आया, ये उन्हें बताना चाहिए इस देश को। एक ये था कि ये पूछा है उन्होंने कि सरकारी विदेश यात्रा में कितनी बार गौतम अडानी प्रधानमंत्री के साथ गए, वो यदि ले गए हैं तो देश से इसमें छिपाना क्या है, क्यों नहीं बताते हमें, देश को बताएं कि भाई कितनी बार हो गए हैं। केवल ये हमारा पार्टी के लीडर का पाप है कि हम सही बातों को पूछ रहे हैं और उसका वो जवाब नहीं दे रहे हैं। एक उन्होंने पूछा था कि अडानी कंपनी प्रधानमंत्री द्वारा कितने किन किन देशों में ठेके लिए, आज तक इस देश के इतिहास में कोई भी प्रधानमंत्री किसी भी उद्योगपति को विदेशों में ठेका दिलाने नहीं गया है, और हम ये दावे के साथ में कहते हैं कि प्रधानमंत्री की सह पर विदेशों में ठेके इन्हें मिले हैं। तो यदि सच्चाई है
तो उदाहरण करें, देश को बताएं, देश की जनता को बताएं कि हम ये करें। एक जो है हमारा जो है EPFD अडानी कंपनी शेयर खरीद कर कर्मचारियों को भविष्य में अंधकार, ये पैसा कर्मचारियों का है, प्रधानमंत्री के इशारे पर सारे चाहे LIC का हो सारी कंपनियों जो है ये पैसा क्यों बर्बाद किया जा रहा है, क्यों उन गरीबों का हित मारा जा रहा है। तो हम इन चीज़ों का जवाब BJP की सरकार से आपके माध्यम से चाहते हैं कि सरकार इन जवाब दे ताकि जनता को असली चीज़ पता चले कि। और दूसरा, मैं बहुत सी अभी बातें निकल के आती हैं कि अब हम आपसे बात करने आए हैं, आपसे अनुरोध करने आए हैं कि हमें इनका जवाब चाहिए, लेकिन BJP वाले ये कहते हैं कि ये सवाल पूछकर राहुल जी को जो है बचा रहे हैं। राहुल जी को नहीं बचा रहे, राहुल जी तो आज देश के किसानों को बचा रहे हैं, मजदूरों को बचा रहे हैं, देश की जनता को बचा रहे हैं। राहुल जी कमजोर व्यापारियों को बचा रहे हैं, राहुल जी चंद उद्योगपतियों के खिलाफ हैं जो इस देश के गरीब लोगों की पूंजी उनके खाते में गई है, उस पूंजी का सदुपयोग कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो और प्रधान